देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। बिजनौर के अफजलगढ़ नगर पालिका के निवर्तमान चेयरपर्सन शहाना परवीन को पतिवा ससुरालियों ने बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। सूचना पर पहुंचे पीड़ित के परिजनों को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। मामला बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान चेयरपर्सन शहाना परवीन अंसारी ने आरोप लगाया कि उसके पति जेठ व अन्य ससुरालियों ने उनको बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। इसकी सूचना उनके परिवारों जनों को लगी तो उसके परिजन उसे बचाने के लिए ससुराल पहुंचे, तो पति व ससुरालियों ने उनके परिजनों से उनको और परिजनों के साथ बीच सड़क पर जमकर मारपीट की। रविवार देर शाम को वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग महिलाएं और अन्य लोगों को दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा जा रहा है। शहाना परवीन का कहना है कि उन्होंने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अफजलगढ़ कोतवाल मनोज कुमार सिंह का कहना है मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नीरज पाल बिजनौर। यानी आपका कहना है कि 5 साल से आपको बंधक बना के रखा? बंधक बना के रखा जी, बंधक कहीं ना कहीं बता देंगे। ये अफजलगढ़ के कौन मुझे जानता होगा, चेयरमैन कौन है आप पूछ लीजिए शहर से कि कौन है चेयरमैन। तो अभी आज क्या हुआ आपके साथ? आज भी 2 बजे देखो मुझे, मैं आ रही थी बाहर, ताला लगा के डाल रखा है, ताला लगा के मैंने कहा ताला खुलवा दो मुझे जाना है, नहीं ताला नहीं खोला, पूरा परिवार आ गया मारने के लिए जी, पूरे सेफ परिवार के साथ आया मारने के लिए जी। अब फिर मुझे बंद कर दिया गया, बंद करने के बाद जब यह मुझे नहीं पता, मैं अपने घर में थी जब उन्होंने कैद कर रखा, जब इन सब कुछ देखा मैंने तो ये देख के फिर मैं, इन्होंने जो जिम्मेदार थे वो आए, वो भी थे मुझे नहीं पता, मैंने ये बैठे जब उन्होंने इन्होंने आगा ये आके उन्हें मारना शुरू कर दिया, जब मैं भागी बाहर आके देखा तो पूरा उन्होंने बिछा रखा, पूरे आदमी इकट्ठे कर रखे मारने के लिए, मेरी बाजी को भी मारा, मेरे बहनों को भी मारा, सब कुछ जाके देख लो आप। आपने इसकी रिपोर्ट कराई है? मैंने करवा रही, आई हूँ मैं, लिखा जा रहा है मेरा सब। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।